दक्षिण सोलापूर तालुक्यात ईद उल फित्र म्हणजेच रमजान निमित्त ईदगाह मैदानावर सामुदायिक नमाज अदा करण्यात आली. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये ईदगाह मैदानावर सकाळी 8:30 वाजता सामूहिक नमाज अदा करण्यात आली. या नमाजानंतर मुस्लिम समाज बांधवांनी एकमेकांना आलिंगन देऊन ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. या देशात बंधुभाव सुख शांती समाधान नांदू दे अशी प्रार्थना अल्लाहकडे केली असल्याचं कोटगीचे काजी उबेदुल्ला शेख यांनी सांगितलं. माशाल्लाह आज ईद उल फितर जी सबसे बड़ी ईद है इस्लाम के अंदर और इसके अंदर सबके अंदर भाईचारा है, आपस के मोहब्बत है, मेल जुल है, सबके साथ रहकर जो है हमें दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारना है, आपस के अंदर भाईचारगी के साथ अमन शांति के साथ दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारना है. और ये ज़िंदगी हमें जो है एक बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह की तरफ से. ये दौलत को हम अच्छी तरह गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक तआला हमें दुनिया के अंदर भी आसानी देंगे और मरने के बाद भी बहुत बड़ी जन्नत देंगे. तो अल्लाह तआला ने हमारे लिए खास मेहमान खाना बनाया है कि मेहमान खाना ईमान वालों के लिए जो अल्लाह के अहकाम पर ज़िंदगी गुजारते हैं उसी के लिए अल्लाह तआला ने ये रमज़ान के बाद एक खुशी का मौका रखा है ताकि हम सब जो है खुश हो जाएं और जो आपस में मिलते जुलते रहें. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तआला जैसे हमारे सारे मुल्क को अमन शांति के साथ और जो है ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता करे. मुस्लिम बांधवांमध्ये यंदाचा ईदचा उत्साह अधिक दिसून आला. गत 2 वर्षांपासून कोरोनाचे निर्बंध असल्यामुळे मुस्लिम बांधवांना ईद आपल्या घरातच साजरी करावी लागली होती. यंदा कोरोनाचे निर्बंध हटवण्यात आल्यामुळे मुस्लिम समाज बांधव एकमेकांच्या घरी जाऊन शुभेच्छा देताना दिसून आले. ईदच्या प्रसंगी हिंदू मुस्लिम बांधवांनी एकमेकांच्या घरी जाऊन शीर खुर्माचा आस्वाद घेतला.